हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो पाइथन प्रोग्रामिंग को लेकर के है। और पाइथन में एक हमारे व्यूअर हैं जिनका सवाल ये है कि सर सीएसवी फाइल नहीं बन पा रही है, तो सीएसवी फाइल कैसे बनेगी और क्या क्या करना पड़ेगा। आज के इस वीडियो में यही सब देखेंगे हम। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सीएसवी फाइल ये हमारी कैसे बनेगी। सबसे पहले पाइथन की ट्रेडिशनल आइडियली ओपन करते हैं, इसी पर हम बनाएंगे और कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। सीएसवी फाइल बनाना बहुत आसान है। देखिए कैसे करना है। यहाँ पर कंट्रोल एंड प्रेस करके न्यू पेज ले लिया है और यहाँ पर सबसे पहले आपको सीएसबी फाइल बनाने के लिए लिखना पड़ेगा इंपोर्ट, फिर क्या लिखेंगे सीएसबी। अब ये लिख लेने के बाद हमारी सीएसबी फाइल बनने लगेगी। सबसे पहले डेटा के अंदर ये चीजें स्टोर कराऊंगा। सीएसबी का मतलब होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर एक स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे और नीचे आकर एक और स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे, यानी दो स्क्वायर ब्रैकेट। यहाँ पर लिखेंगे नेम और ये जो नेम होगा ना ये सिंगल डॉटेड कॉमा या डॉटेड कॉमा के अंतर्गत लिखा जाएगा। तो यहाँ पे डॉटेड कॉमा ही कर लेते हैं, शिफ्ट दबा के आप डॉटेड कॉमा लगा लीजिएगा। नेम हो गया, आप इसमें और भी चीजें ऐड कर सकते हो, जैसे नेम मैंने दे दिया है, आप यहाँ पे नेम ऑफ प्रोडक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, नेम ऑफ प्रोडक्ट ही कर देते हैं, नेम ऑफ प्रोडक्ट। तो ये लिख दिया नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर प्रोडक्ट, तो ये हो गया नेम ऑफ प्रोडक्ट। अब ये पहला हो गया, अब फिर दूसरा क्या होगा, इसकी प्राइस होगी। तो प्राइस को कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे डॉटेड कॉमा में ही प्राइस को भी लिखेंगे, ठीक है। ये लिख दिया, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद यहाँ पे लगा दीजिएगा कॉमा और कॉमा लगा करके एंटर करके नीचे आइएगा। फिर यहाँ पर नेम ऑफ प्रोडक्ट में प्रोडक्ट का नेम देना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर प्रोडक्ट का नेम क्या दे देते हैं, सोया बीन ऑयल, ठीक है। ये दे दिया सोयाबीन, अंडरस्कोर लगा देते हैं ओ आई एल ऑयल। तो ये हो गया प्रोडक्ट का नेम और फिर कॉमा देंगे, इसकी प्राइस कितनी है 140 रुपए लीटर। तो ये 140 दे दिया यहां पर और इसको बंद कर दिया, ठीक है। अब आप देखेंगे ये हो गया, अब क्या करना है, अब यहां पे कॉमा लगा देना है, कॉमा लगा के फिर नीचे आना है। अगले प्रोडक्ट का क्या नाम है, अगले प्रोडक्ट का नाम है सपोज कीजिए मस्टर्ड ऑयल, एम यू एस टी ई आर ई डी मस्टर्ड ओ आई एल ऑयल। तो ये हो गया मस्टर्ड ऑयल और डॉटेड कॉमा को क्लोज किया, कॉमा लगाया, मस्टर्ड ऑयल है 135 रुपए लीटर, तो ये भी हमने दे दिया, फिर कॉमा लगा दिया। फिर यहां पर बात करते हैं डॉटेड कॉमा में रेड चिली पाउडर, रेड फिर यहां लिखते हैं चिली सी एच आई डबल एल आई और पी ओ डब्ल्यू डी ई आर पाउडर हो गया। और यहां पर ये है 130 रुपए का, तो ये भी हमने दे दिया। अब इस जो स्क्वायर ब्रैकेट था इसको बंद कर दिया। अब बंद करके अब क्या करना है, ऊपर देखिए एक ठो और ब्रैकेट डेटा वाला, यहां पर एक ब्रैकेट ओपन किया था इसको भी क्लोज करना पड़ेगा, तो यहां पर क्लोज कर देते हैं। तो ये भी क्लोज हो गया। अब क्या करना है, अब एंटर करके नीचे आना, इंटेंडिंग देखिए कहां जा रही है, कर्सर हमारा कहां जा रहा है। यहां पर हम विथ ओपन फंक्शन का यूज करेंगे। विथ ओपन में फायदा यह होता है कि इसे क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लास्ट में डॉट क्लोज नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, तो ये अच्छा है। अब इस फाइल को हम क्या नाम देंगे ये भी हमें देखना होता है। तो यहां पर विथ ओपन और इस फाइल को हम नाम देंगे क्या, यहां पर हम डॉटेड कॉमा में लिख देते हैं पाइथन फाइल, पाइथन फाइल यही नाम दे देते हैं इसे, ठीक है। तो इसे हमने नाम दे दिया है पाइथन फाइल, ठीक है। फिर कॉमा लगा देंगे और इसे हम डब्ल्यू मोड में, डब्ल्यू का मतलब होता है राइट मोड, इसे राइट मोड में ओपन करेंगे, यानी इससे। और यहां पे क्या लिख देंगे, न्यू लाइन, क्या लिख देंगे, न्यू लाइन इज इक्वल टू डॉटेड कॉमा ओपन डॉटेड कॉमा क्लोज, और इसको बंद कर देंगे ऐसे। तो ये हो जाएगा ऐसे, ठीक है। और फिर यहां क्या लिख देंगे, एज फाइल एफ आई एल ई, ये हो गया, एंटर कर देंगे। और एंटर करने के बाद क्या करना है आपको, जैसे ही एंटर करेंगे तो यहां पर आप लिखिएगा राइटर, डब्ल्यू आर आई टी आर राइटर इज इक्वल टू, यहां पर लिखिएगा सी एस बी डॉट राइटर, ठीक है। ये हो गया सी एस बी डॉट राइटर और ब्रैकेट को ओपन कीजिएगा। और यहां चूंकि इसे हमने क्या नाम दिया है, जरा देखिए, फाइल नाम दिया है, तो यहां पर हमें फाइल ही दे देना है, ठीक है। तो राइटर इज इक्वल टू सी एस बी डॉट राइटर हो गया है और यहां पर फाइल हमने दे दिया है। और फिर एंटर करके आएंगे, अब यहां क्या लिखेंगे, फिर यहां वापस से वही चीज की राइटर लिखेंगे। और राइटर लिखने के बाद क्या करना है, टेंडिंग यहां आएगी। अब हमें कैसे पता कि ये पाइथन फाइल बन गई है, तो एक प्रिंट नाम का फंक्शन होता है उसे हम इस्तेमाल करेंगे, प्रीडिफाइंड फंक्शन है ये। यहां पर लिख देते हैं फाइल क्रिएटेड, केवल इतना ही मैसेज दे देते हैं तो हमें पता चल जाएगा। अगर ये प्रिंट हो जाए तो हमें ये पता चल जाएगा कि फाइल बन गई है हमारी, तो फिर हम उसको चेक करेंगे। तो F5 शॉर्टकट की प्रेस करके इसे सेव करने का कार्य करते हैं और इसे हम डेस्कटॉप पे ही सेव करेंगे ताकि हमें एक्सेस करने में भी आसानी हो, ठीक है। और यहां पर इसे मैं नाम दे देता हूं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट नाम दे देता हूं, प्रोडक्ट।
ये हमने नाम दे दिया इसे प्रोडक्ट और ये एंटर कर दिया। तो अभी हमारी सीएसवी फाइल बनी है कि नहीं बनी है, तो देखिए ये लिखा हुआ आ गया फाइल क्रिएटेड, इसका मतलब है कि सीएसवी फाइल बनी है कि नहीं बनी है, बन गई है। तो बन गई है तो कहां गई है, तो डेस्कटॉप पे गई होगी। आइए चलिए देखते हैं, इसको मिनिमाइज करते हैं। यहां पर ये फाइल बनी हुई है, इस पे जाके राइट क्लिक करिएगा और ओपन विथ, इसे नोटपैड पे ओपन करना है। किस पे ओपन करना है, नोटपैड पर। तो इसे नोटपैड पे ओपन कीजिएगा तो कॉमा से सेपरेट करते हुए ये दिखाई पड़ेगा। देखिए नेम ऑफ प्रोडक्ट के बाद कॉमा है, प्राइस के बाद कॉमा है, सोयाबीन ऑयल के बाद कॉमा है, फिर 130। तो जो जो नाम दिए गए थे वही वही नाम यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर आप एग्जांपल के तौर पर मैं ये भी ओपन कर देता हूँ, जो ट्रेडिशनल आइडियली था हमारा जिस पर कि हमने कोडिंग करी थी। तो देखिए एकदम सेम कोडिंग जिसका के रिजल्ट यहाँ पर आया हुआ है, यही हमारी सीएसवी फाइल है और आसानी से बन गई, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी।